दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल थ्रेड एंड नीडल बाय मधु में स्वागत है। आज मैं पुराने लेगिंग से कुछ नया बनाने वाली हूँ, तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेगिंग्स को इस तरह से सेट कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर 11 इंच पे हमें इस तरह से चौक से दाग लगा लेना है। उसके बाद हमें काट लेना है। फिर हम लेगिंग्स कट को पलट लेंगे, यानी उल्टा कर लेंगे। सिलाई को हमें साइड में कर लेना है इसके बाद, और 1 फोल्ड कर लेना है। कमर के साइड से हमें 3 इंच पे दाग लगाना है, और पैर के साइड से हमें 2.5 इंच पे दाग लगाना है। उसके बाद दोनों दाग पे हम इंची टेप को रख देंगे और रख करके दोनों को मिला देंगे। दोनों दाग का माप है 9 इंच, तो इसका आधा हम करेंगे तो 4.5 इंच होगा। 4.5 इंच पे हमें दाग लगाना है, और फिर हमें 1 इंच गहराई के लिए दाग लगाना है 4.5 इंच से। और हम गहराई का दाग लगा लेंगे, और उसके बाद हमें इसे काट लेना है। लेगिंग्स के सिलाई को बीच में कर लेंगे। उसके बाद आधे कपड़े को कुछ इस तरह से सेट करके 1/2 इंच माप लेंगे, और वहीं से गोलाई का दाग लगाएंगे और कपड़े को काट लेंगे। कपड़े का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हमें इलास्टिक का कटिंग करना है, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि कपड़े से 2 इंच कम ही इलास्टिक काटा जाता है, तो अच्छे से कपड़ा में इलास्टिक सेट होता है। तो हमने यहाँ मापा है, कपड़े का माप है 9 इंच, तो हमें 2 इंच कम करके 7 इंच लेना है। और कपड़ा यहाँ पे मेरा डबल है, तो हमें इलास्टिक भी डबल लेना है, यानी 14 इंच का 2 इलास्टिक हमें लेना है। कटिंग करने के बाद खुला हुआ भाग में हमें कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेना है, ताकि इलास्टिक लगाने में आसानी हो। सिलाई के बाद कपड़ा बचा है 1/2 इंच, उसे हम इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद चाप सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक के दोनों किनारों को कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक रख के 2-3 सिलाई लगा लेना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं इलास्टिक लगाने के लिए बताने वाली हूँ। उसके लिए इलास्टिक को कपड़े के ऊपर रख लेना है, और फिर मशीन पर अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद हमें इलास्टिक को हल्का सा टानते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर जरूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सिलाई कंप्लीट हो गया है, अब हमें धागे को काट लेना है।
कपड़े को दो बार मोड़ के हल्का सा खींचते हुए, क्योंकि ये गंजी कपड़ा है, सिलाई लगाते जाना है। सिलाई कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि इलास्टिक बहुत अच्छे तरीके से सेट हुआ है, जैसे लग रहा है बाजार से सिलाई किया हुआ। इसी तरह हमें दूसरे पैर में भी इलास्टिक को लगा लेना है और फिर फटे पुराने लेगिंग्स से नए जैसा पैंटी बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप भी इसे घर पर बनाएं और बताएं कैसा बना है। अब हमें बचे हुए कपड़ों से बेबी लेगिंग्स बनाना है। उसके लिए हमें कपड़ा को उल्टा करके अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर 1 इंच पर दाग लगा लेंगे। बाकी जो कपड़ा है उसे कुछ इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इस तरह दाग लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि कपड़ा यहाँ तिरछा है, तो हमें पहले सीधा का दाग लगा लेना है, कपड़े को सीधा कर लेना है। उसके बाद 1 इंच हमें माप के दाग लगा लेना है और फिर पैर की तरफ वहीं से गोलाई का दाग लगाना है, कुछ इस तरह से। सिलाई करने के लिए हमें दाग से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग करना है। कपड़े को हमें इस तरह से बिछा लेना है ताकि हमें पता चले कि सिलाई कैसे करना है। पहले पैर का हमें पहला भाग लेना है और दूसरे पैर का पहला भाग लेना है और कुछ इस तरह से सेट करके हमें सिलाई लगाते जाना है। सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब हमें धागे को काट लेना है। इलास्टिक लगाने के लिए हमें कपड़े को माप लेना है, तो कपड़े का माप यहाँ पे 10 इंच है, तो उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो 8 इंच होगा। 8 × 2 = 16 इंच, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे डबल है, तो हमें 16 इंच इलास्टिक को काटना है। इलास्टिक के दोनों कोनों को पकड़ के हमें 2-3 सिलाई लगा लेना है। कपड़े के ऊपर इलास्टिक को हमें रख लेना है और मशीन में इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद हमें इलास्टिक को टांगते हुए सिलाई लगाते जाना है। दो बार इलास्टिक को फोल्ड करके हमें फिर से सिलाई चला देना है और फिर बेबी लेगिंग्स बनके बिल्कुल रेडी है।
दोस्तों, बेबी लेगिंग्स बड़े आसानी से घर पे बनके कम समय में तैयार हो जाता है। आप भी बनाएं और बताएं कैसा बना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।